खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। टांडा के समीप इंदला तालाब चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। 11 करोड़ में बनी नहर, 11 लोगों को नहीं मिल पाया फायदा। टांडा धार क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए 11 करोड़ की लागत से नहर बनाई थी, इसमें 11 लोगों को भी फायदा नहीं मिल पाया। दरअसल ये नहर घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गई। अगर यह सही रहती तो लगभग 11 से 12 गांव के लोगों को फायदा मिलता। टांडा के नजदीक ग्राम इंदला में बने तालाब से नहर बनी है, जिससे आसपास के छोटे बड़े गांव को पानी का लाभ मिलता था। ठेकेदार द्वारा किया गया घटिया निर्माण व अधिकारी की अनदेखी से ग्रामीणों को खेती करने में दिक्कत हो रही है। कई बार अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी अभी तक इस समस्या से ग्रामीणों को निजात दिलाने में अधिकारी सफल नहीं हुए। कई जगह नहर फूटी हुई है, कई जगह नहर की सफाई नहीं हो पा रही, तो कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक नहर का एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाया। टांडा डोबनी मार्ग के पास से ही होती हुई नहर पर ग्रामीणों द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा है। इनका कहना है, हमारी ग्राम कुर्दा में खेती है और हमारे खेत से होते हुए नहर गुजर रही है, जो कि कच्ची है। विगत 5 वर्षों से एक बूंद भी पानी नहीं आया। पानी की कमी से खेती करने में समस्या आ रही है। कई बार अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई पर सुनवाई नहीं हो पाई। अभी जानकारी नहीं लिए लेकर बताते हैं, अशोक महाजन, सब इंजीनियर, सब डिवीजन भाग। आज से 5 साल पहले जो इंदला तालाब किसानों को जमीन हेतु पानी के लिए बनाया गया था, चूंकि किसानों को ये पानी आज तक नहीं मिला, अधिकारियों एवं ठेकेदारों की भ्रष्टाचार की भेंट ये तालाब चढ़ गया। और जिन किसानों को पानी, जिन खेतों को पानी मिलना था, वहाँ आज तक पानी नहीं मिला, न नहरें पूरी बनाई गई। आज भी हमारे खेत में जो नहर आना थी वो अधूरी पड़ी है। हम सिंचाई के लिए कई बार अधिकारियों से मिले, लेकिन हमारी ओर से कोई सुनवाई नहीं थी। आपका नाम? मैं अजय माहेश्वरी, टांडा निवासी हूँ। कोड़दा में मेरी खेती है, जहाँ मेरी नहर पहुँचना थी वहाँ तक पहुँची नहीं। खबर समय जगत के लिए टांडा से दीपक सोनी की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।